2014 में हरियाणा में सरकार है, बहुत फन्ने खा बैठे रहते थे सत्ता में, गरीब लोगों का कोई ख्याल नहीं था। पूरे देश में जाटों का इस्तेमाल हुआ, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के खिलाफ झगड़ा कर हम में से ही लोग इस्तेमाल हुए, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन केंद्र में एक तरह की सत्ता हो आ गई। आज हम उसको हम गालियां दे रहे कि धर्म तो आप परिवर्तित कर लोगे, आप बन जाइए मुस्लिम, बन जाइए क्रिश्चियन, जाति नहीं बदल पाओ, इतना बांट दिया गया है, कहीं ना कहीं भेदभाव होगा जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम में से ही लोग इस्तेमाल हुए। 2014 में हरियाणा में सरकार है, बहुत फन्ने खां बनकर जाट बैठे रहते थे सत्ता में, गरीब लोगों का कोई ख्याल नहीं था। सैनी जी ने इस्तेमाल किया, टूल बने बीजेपी के, और सारी व्यवस्था परिवर्तन हुई, लेकिन 35-1 में सत्ता चल रही है, व्यवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन टूल उसके हम बन। पूरे देश में जाटों का इस्तेमाल हुआ, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के खिलाफ झगड़ा कर व्यवस्था परिवर्तन हुआ, लेकिन केंद्र में एक तरह की सत्ता हो आ गई जो आज जिसका हम आज हम भोग कर रहे हैं और उसको हम गालियां दे रहे हैं। हमें कौन सी व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और हम ही क्यों टूल बनते हैं उससे? नूह में दंगा हुआ, अभी दलितों को इस्तेमाल करके, अगर हमें व्यवस्था परिवर्तन या हमको इन तमाम चीजों को इस्तेमाल होने से बचाना होगा तो हमको व्यवस्था में किसान किसानी कृषक वर्ग को आगे आना होगा। उस समाज को कुचलना चाहते थे, मेव समुदाय को, मेव समाज को ये सत्ता कुचलना चाहती थी, लेकिन किसान कमेरा वर्ग खड़ा हुआ और उन्होंने कहा एक आवाज में और बुलंद आवाज में कि नहीं, हम उस समाज को कुचलने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। और आज वो उनकी जो व्यवस्था जो बनाना चाहते थे वो फेल हो गई, वो जो सुनियोजित तरीके का दंगा था वो फेल हो गया। अगर हम वाकई कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने आप को भी अब सैनी जी भी बैठे हैं और मलिक साहब भी बैठे हैं, सत्ता लुटाकर बैठे हैं ना। अगर उसी वक्त समझ में आ गया होता कि ये खेल में हम मोहरा नहीं बनना है तो आज हमको यहां बैठकर ये सेमिनार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात कड़वी है, माफ करना, कोई तकलीफ हुई हो मेरी बातों से, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक देश हमारा हिस्सा अलग हो गया और हम अलग हो गए, कहलाते हम धर्मनिरपेक्ष हैं। बचपन से देखता आ रहा हूं कि दिन पे दिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ हम और ज्यादा धर्म के प्रति या धर्म पर बेस्ड होते चले गए और जातियों में जो भेदभाव हमने बचपन में नहीं देखा था वो अब आते आते पिछले 20-25 साल में तो उस हिसाब से बट गए कि धर्म तो आप परिवर्तित कर लोगे, आप बन जाइए मुस्लिम, बन जाइए क्रिश्चियन, जाति नहीं बदल पाओगे, इतना बांट दिया गया है। मैं अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस करता हूं कई बार मलिक साहब कि यार ये हिंदू धर्म क्यों नहीं बढ़ पाया, मुस्लिम धर्म इतना बड़ा व्यापक विश्व में फैल गया, क्रिश्चियनिटी फैल गई, बौद्ध धर्म फैल गया, ये हिंदू धर्म क्यों करोड़ों हम नेपाल और भारत इसके आगे नहीं बढ़ पाए? तो कुछ ना कुछ तो होगा, इस धर्म में कहीं ना कहीं क्लिष्टता होगी, इस धर्म में कहीं ना कहीं भेदभाव होगा जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज संविधान, मैं तो इस संविधान को वर्ल्ड का सबसे सुदृढ़ और सबसे प्रभावी संविधान मानता हूं कि 75-76 साल की आजादी और 72 साल
कि संवैधानिक व्यवस्था में हम कोई आधारभूत परिवर्तन अभी तक नहीं कर पाए। अच्छा लिखा गया संविधान है, दो छोटी छोटी कमियां जरूर हैं जो आज मलिक साहब ने उठाई हैं, कि जो नागरिकों के कर्तव्य बताए गए हैं उस कर्तव्य पालन से नागरिक कितना विमुख है, वो कहीं शासकीय और प्रशासनिक व्यवस्था में उस पर कहीं बंधन नहीं लगाया गया। अधिकारों के प्रति तो बहुत सचेत है कि मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे विचारों की अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, सब चीजें हैं। लेकिन जो कर्तव्य नागरिक के हैं इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, वो अभी भी बहुत विमुख चल रहा है, और उस विमुखता पर कोई अंकुश लगाते हुए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई। एक कमी और आज महसूस हुई सुनकर कि मानवता, ह्यूमैनिटी को संविधान में उस तरह से परिभाषित नहीं किया गया जिसकी की आवश्यकता थी, तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और जिस दिन ह्यूमैनिटी थोड़ी सी अपर एज पे आ जाएगी, उस दिन ये मान लेना कि जो अभी व्यवस्था चल रही है ये अपने आप सुचारू गति ले लेगी। सीखते सीखते और आगे भी सीखेंगे, और आज काफी ज्ञान चक्षु मेरे खुले रहे, जब जब जिसने जिस रूप में अपनी बात रखी मैंने तो उसमें से कुछ ना कुछ अपने में समाहित किया है, और उसके लिए धन्यवाद दूंगा बलराज मलिक जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूध वाले के लिए जगह नहीं है लेकिन मंदिर के लिए जगह है, लेकिन मंदिर का उपयोग क्या है? उपयोग सदुपयोग कुछ है? मुझे नहीं दिखाई दिया उसका कारण। मैंने देखा दो तीन दिन पहले ही देखा, व्हाट्सएप पर लड़ रहे हैं सब सभ्य लोग हैं, रेल के बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग वहाँ रहते हैं और सब लड़ रहे हैं आपस में व्हाट्सएप पे। देखा मंदिर है, मंदिर में दो महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। मैं थोड़ा सा रुका। महिलाओं के झगड़े में वैसे नहीं पड़ना चाहिए, जब दो महिलाएं पड़ रही हैं तो आरोप लगना बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है, तो मैं थोड़ा सुना क्या कारण है। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की बच्ची गलती से मंदिर में जूते पहन के चली गई। अब उस पर द्वंद्व शुरू हो रहा है। दो महिलाएं, शिक्षित महिलाएं, क्या ये कैसा समाज है? एक महिला, एक बच्ची जो भगवान का रूप है, तो नहीं सुखे बच्ची के बारे में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा इसे ऐसा समझा आज का समाज है। तो मैं ये सब इसी बात से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, प्रभु जी का शिष्य हूँ, और पहले मैं भारतीय रेल में था। धन्यवाद, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।